अभी हम कोरोना से नहीं निपटे और हमारे सामने संक्रमण से फैलने वाली एक दूसरी बीमारी आ गई है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1, जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं, पक्षियों से पक्षियों में और पक्षियों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी, कई बार इंसानों से इंसानों में भी फैलता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू खासकर मुर्गी, बतख, कौआ इन सब में फैलता है, कई मामलों में मछलियों में भी फैलता है बर्ड फ्लू। और इस समय जो भारत में स्थिति है उसमें अलर्ट जारी हो गए हैं, कई राज्यों में कई इस तरह की स्थितियां आई हैं जहां पर बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए हैं, बहुत बड़े स्तर पर पक्षी मारे जा रहे हैं, साथ ही कई बार सरकारें डिसीजन ले रही हैं कि संक्रमित वाले क्षेत्र पर पक्षियों को मारा जाए क्योंकि ये बर्ड फ्लू आगे ना फैल पाए। 90 के दशक में बर्ड फ्लू सामने आया था, उसके बाद 1997 में पहला केस ऐसा सामने आया जिसमें इंसानों में बर्ड फ्लू पाया गया। उसके बाद ये कई बार वायरस म्यूटेट होता रहा, नया स्ट्रेन आता रहा और कई अलग अलग वर्षों में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आते रहे। पूरे देश में खतरे की घंटी है बर्ड फ्लू को लेकर। इसके साथ ही कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू की जो मार है वो सबसे ज्यादा हो गई है, उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल शामिल हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 वायरस जो है, जिसे हम बर्ड फ्लू कह रहे हैं, वो एक तरह का इस तरह का वायरस है जिसमें संक्रमण की आशंकाएं जो हैं वो बहुत तेजी से होती हैं। कारण होता है पक्षियों के ज़्यादा पास रहने पर या फिर अधपके पक्षी खाने पर। जब आप अधपका चिकन खाते हैं तो कई बार बर्ड फ्लू होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा पक्षियों के नज़दीक रहने पर ये बर्ड फ्लू हो सकता है। कारण होता है बर्ड फ्लू जो होता है पक्षियों के मल से या उनके स्राव से फैलता है। बर्ड फ्लू के जो लक्षण हैं वो कमोवेश कोरोना जैसे हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, गले में तकलीफ होना, कफ का जमा रहना, इसके अलावा मसल्स में दर्द होना, फीवर आना, ये सब वो लक्षण हैं जो आपको कोरोना में भी दिखते हैं और बर्ड फ्लू में भी कुछ इसी तरह के लक्षण सामने आते हैं। अगर हम अलग अलग राज्यों के हिसाब से बर्ड फ्लू की स्थिति देखें तो हिमाचल प्रदेश की पोंग मान झील अभ्यारण्य में 1800 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हो गई। इसके बाद पता लगाया गया कि बर्ड फ्लू की स्थिति कितनी तेजी से वहाँ फैल रही है। इसके अलावा राजस्थान के कई जिलों में पक्षी मरे पाए गए और अब झालावाड़ में धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। केरल की बात करें तो कोट्टायम और अलपुझा जिलों में ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैली है कि बतख पालन केंद्र में 1500 से ज़्यादा बतख मरी पाई गई हैं। ये कोट्टायम की स्थिति है। अब कोट्टायम और अलपुझा जिलों में 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया गया है। बर्ड फ्लू से बचाव के लिए जो सामान्य बातें बताई जाती हैं उसमें यही बताया जाता है कि आप पक्षियों से दूरी बनाकर रखें, इसके अलावा अधपका चिकन ना खाएं, पोल्ट्री फार्म में जाने से बचें, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ये कोशिश करें कि बर्ड फ्लू इंसानों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी भी है तो आप अपना ट्रांसमिशन को रोकें। ह्यूमन ट्रांसमिशन जितना ज़्यादा रोकेगा उतना ही बीमारियों को रोका जा सकता है।